इस वीडियो में बात करेंगे जॉब रहने वाली है एथर वेज एनर्जी में। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इनका लोगो गाइस यहाँ पे है और ये गाइस जॉब रहने वाली इस कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। गाइस नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जॉब कैसे निकालनी है इस कंपनी की आपको दिखा देता हूँ। साइड में ऑप्शन मिलेगा गाइस ये 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे, करियर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो गाइस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ साइड में ही आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल जॉब्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल जॉब्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी जॉब्स इनकी आ जाएंगी जितनी भी गए जॉब रहने वाली इस कंपनी में। और गए इस लिंक आपको मैं इसी पेज का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लेना। यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है यहाँ पे देख सकते हो ऑल टीम्स, बिजनेस में इतनी जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट में इतनी है, इंजीनियरिंग में 50 जॉब्स हैं और ऑपरेशन में 8 जॉब्स हैं, प्रोडक्ट में 9 जॉब्स हैं। तो गाइस ये सारी जॉब्स रहने वाली है 136, जो कि गाइस लोकेशन आपको बता दूँ कहाँ कहाँ ये जॉब रहने वाली है। तो बेंगलोर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हसूर और इसके बाद नीचे भी हैं गाइस कुछ लोकेशंस, ये देख सकते हो कोलकाता, न्यू दिल्ली और पुणे। तो यहाँ पे जॉब्स रहने वाली हैं। तो ये जॉब्स हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी जॉब्स में हम दी हुई है। मैं कुछ जॉब्स यहाँ पे बता भी देता हूँ ओपन करके। जैसे गाइस यहाँ पे सर्विस डिलीवरी में जॉब रहने वाली है, एसोसिएट मेजर ग्रिड ऑपरेशन की जॉब है बेंगलुरु, इसकी लोकेशन रहने वाली है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो चुकी है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद नीचे जो लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ गाइस क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्जिंग सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये आप पढ़ सकते हो गाइस जो यहाँ पे लिखा है। क्वालिफिकेशन जो नीचे है गाइस ग्रेजुएशन होती होनी चाहिए BBTech और 4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है इस जॉब के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको जॉब दिखाता हूँ गाइस, नेक्स्ट है गाइस ग्रिड टेक ऑप्स इंजीनियर, ये भी बेंगलुरु, इसकी लोकेशन रहने वाली है, यहाँ पे से BBTech इलेक्ट्रिकल, 1 साल गाइस मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। स्पेयर पार्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब रहने वाली है, इसकी लोकेशन है गाइस दिल्ली, कोलकाता एंड पुणे, 3 लोकेशन रहने वाली है इसकी। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जॉब रहने वाली है सेम टाइटल से। इसमें गाइस डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, ग्रेजुएट इंजीनियर भी एलिजिबल है, 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्पेयर पार्ट्स में। इसके बाद आपको बता दूँ नीचे आओगे तो एसोसिएट मैनेजर की जॉब रहने वाली है ग्रिड ऑपरेशंस में, इसकी लोकेशन भी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन यहाँ पे रिस्पेक्टिव जोनल ऑफिसर रहने वाला है। तो ये आप देखते हो जिस लोकेशन के जोनल ऑफिसर होगा वहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन नीचे आएंगे। तो यहाँ पे BBTech रखी है, BBTech की कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, 4 साल इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसके बाद एरिया व्हीकल सर्विस मैनेजर एथर एनर्जी, इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं गाइस। यहाँ क्वालिफिकेशन गाइस इसमें ये बताई हुई है ऊपर, यहाँ जैसे हो यहाँ पे ग्रेजुएट्स होने चाहिए बिजनेस या फिर इंजीनियरिंग में, 4 साल इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस रखा है। इसके बाद गाइस कस्टमर सर्विस ऑफिसर की जॉब रहने वाली है, एरिया व्हीकल सर्विस मैनेजर की जॉब रहने वाली है, यहाँ पे व्हीकल डायग्नोस स्पेशलिस्ट की जॉब रहने वाली है, फिर सर्विस ट्रेनर की जॉब रहने वाली है। इसकी लोकेशन गाइस पुणे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, इसकी लोकेशन रहने वाली है इस जॉब की। तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं गाइस, नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें गाइस ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी फील्ड में, 4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। बाकी रिटेल सेल कोच की है, क्वालिटी एनालिस्ट कस्टमर सर्विस की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जॉब्स रहने वाली, ट्रेनर की जॉब रहने वाली है। इसके बाद नीचे आओगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी जॉब्स रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स में भी है अगर कोई करना चाहता है कि सेल्स में जॉब, क्रिएटिविटी यहाँ पे नेक्स्ट जो रहने वाला है इनका। इसके बाद सेल्स ऑपरेशन में है, इसके बाद नेटवर्क में है, नेटवर्क एक्सपेंशन, फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जॉब्स रहने वाली हैं। तो काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग की जॉब है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन हो चुकी है। इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इस नीचे, तो यहाँ पे एनी डिग्री रखा है गाइस, अगर कोई भी डिग्री की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर MBA वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, बाकी एक्सपीरियंस इतना नहीं मांगा है, इसमें अप्लाई कर लेना है फ्रेशर गाइस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की जॉब रहने वाली है। इसके बाद ये फाइनेंस के रिलेटेड है, फिर ये नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे IT के रिलेटेड जॉब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी काफ़ी जॉब्स रहने वाली हैं इस टोटल, यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कंपनी में जॉब रहने वाली है। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर कोटिंग टेक्नोलॉजी, ये ओपन करके देख लेते हैं जॉब बेंगलोर, इसकी लोकेशन रहने वाली है, ये ओपन हो चुकी है। नीचे इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें गई डिप्लोमा या फिर डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, 8 साल मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी जॉब्स हैं गाइस मैन्युफैक्चरिंग में भी, क्वालिटी में भी है, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल,
तो ये भी आप चेक कर सकते हो। डिज़ाइन, इंजीनियर, हार्डवेयर, हार्नेस, मैकेनिकल, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, तो ये सारी देख सकते हो गाइस, काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ पे। चेसिस स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो कंट्रोल इंजीनियर यहाँ पे देख सकते हो गाइस, डिज़ाइन इंजीनियर, और यहाँ पे प्रोसेस टेक्नीशियन, टेस्ट इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, और यहाँ पे सी एफ डी थर्मल सिमुलेशन इंजीनियर, यहाँ पे गई सभी जॉब्स रहने वाली हैं। वेयर हाउस, यहाँ पे शिफ्ट मैनेजर, वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, और यहाँ पे ये जॉब्स रहने वाले इस कंपनी में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे कहीं भी आपको शेयर करनी है शेयर कर सकते हो। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।